हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज का वीडियो है कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ऑटो ट्यून कैसे लगाते हैं, सिंगर की जो वॉइस रहती है वो ऑटो ट्यून पे कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब ऑटो ट्यून का आपने नाम तो सुना होगा, फ़िलहाल के लिए ऑटो ट्यून होता क्या है आपको कुछ पता है? एप्पल स्टूडियो मोबाइल में कैसे लगाते हैं, जो हमारी ओरिजिनल आवाज़ है उससे डिफरेंट, हमें उससे बढ़िया आवाज़ चाहिए तो ऑटो टोन उसे बोलते हैं। ऑटो टोन किस टाइप का काम करता है, जैसे कि आपने F माइनर में कोई सॉन्ग गाया है और उसके जो नोट होते हैं उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके बीच में जो भी हमारा गाना निकलेगा उसके बीच में रहेगा, तो उसके उसी पे ऑटो टोन लगता है। आप सही स्केल का इस्तेमाल करेंगे और उसी पे, और मैंने ऐसे ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली है सॉन्ग के साथ, क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं तो उतना बढ़िया सारा कुछ मैं कर पाऊँ। फ़िलहाल के लिए आज तुम्हें ऑटो ट्यून का पूरा मतलब समझाते हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता है तो मैं आपको एक नॉर्मल प्रक्रिया रहेगी तो उसके माध्यम से आपको एक बार ऑटो ट्यून का मेथड मैं बताऊँगा। तो करना कुछ नहीं, आप जैसे कि सिंगिंग कर लेंगे, हमारी जो नॉर्मल वॉइस है आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमारी नॉर्मल वॉइस है, आपको यहाँ से जितने भी हमने इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाए हैं क्योंकि आपको ताकि सुनाई दे, और हमारा एक ऑटो ट्यून यहाँ पे आएगा। तो ऑटो ट्यून आज तक तुमने मतलब इसे फालतू का आप यहाँ पे पिच का समझे होंगे आप, तो इसे हम यहाँ से इफ़ेक्ट्स पिक्चर लिखा है तो इसे हम डिलीट कर देंगे, फिर बाद में आपको आप समझाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आइडियो को आपको सुना देते हैं, क्योंकि एयरफोन भी नहीं लगा है, आप स्पीकर पे सुनेंगे। ओके, जो हमारी वॉइस रिकॉर्ड है आप देखो। तो आप देख सकते हो हमारा जो नॉर्मल वॉइस हमने गा रखी है तो इस टाइप से हमने गा पाया है, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर उतना बढ़िया माइक या स्टूडियो जैसा आवाज़ नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल आवाज़ आपको सुनाते हैं हमारा कैसा है, जो ओरिजिनल हमारी वॉइस रहेगी। थोड़ा आगे लास्ट में मेरा पिच भी बैठ गया था, मैं उतना बढ़िया गा नहीं पाया। फिलहाल के लिए अब ऑटो टोन का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो देखो कैसे हमारा ऑटो टोन काम करेगा। ऑटो टोन लगाने के लिए आपको 3 डॉट पे ओके करना है, और जो भी हमारा सॉन्ग हमने लिया है उसे सेलेक्ट रखेंगे और उस पर ऑटो टोन हम लगाएंगे। अब सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे टैप करना होता है, फिर आपको नीचे मिल जाएगा पिक्चर का ऑप्शन, तो इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है, और आप जब यहाँ से प्ले कर देंगे पूरा जो वॉइसल होता है हमारा खड़बड़ा जाएगा। आपको एक बार इसके साथ सुना देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑटो ट्यून तो लग गया, फिर जो रिवोल्ट वाली जो साउंड आ जाती है वो ख़राब कर देती है, तो इसके लिए जो स्केल देती है वही हमें लगाना पड़ता है। तो आपको स्केल लगा के दिखाते हैं, जो हमारा माइनर है और हमने एफ में गाया है, एफ मेजर में हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और अब इसकी वॉइस आप सुनो एक बार। तो ऑटो ट्यून इसे ही बोलते हैं, और अब हमें करना है सही। तो हमारा माइनर हो गया, और जितने भी नोट यहाँ पे देख रहे हैं आपको वाइट वाइट, वही हमारे इसमें नोट प्ले होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे
पिच का ऑप्शन मिलता है, एक स्पीड का मिलता है, एक फाइन ट्यूनर का। और पिच का ही आपको समझाएंगे क्योंकि फिर बाद में मैं सिंगर नहीं हूँ, अगर ज़्यादा आपको सिंगिंग करनी है तो हमसे आप वीडियो मांग सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो इसके लिए आपको सुना देते हैं, पिच का अगर हम यहाँ से बढ़ाएंगे तो आप एक बार और सुनो। तो इसे बोलते हैं ऑटो टोन। तो आपको समझ में हो आया होगा। अगर आपका कोई नोट गलत है तो एडवांस में जाएंगे, उसे आपको बाई पास करना होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको बस सुनाया है कि ऑटो टोन कैसे लगता है, आप जो सिंगर की आवाज़ सुनते हैं ओरिजिनल, तो इसी टाइप से यहाँ पे ऑटो टोन लगता है। और आप जैसे कि जो भी स्केल में गाए होंगे, अगर आप सही गाए होंगे तो एकदम परफेक्ट ऑटो टोन में आपकी वॉइस एकदम बेहतर बन जाती है। तो इसे हम डिलीट कर देंगे और फिर मैं सॉन्ग के साथ, क्योंकि हमारा तो नॉर्मल ही बढ़िया लग रहा है, इस पे तो नहीं बढ़िया लग रहा। और इस टाइप से अगर हम डायरेक्ट ही यहाँ से ले लेते हैं तो इससे भी बढ़िया हो रहा, मगर इसमें रिबोटिक साउंड आ रहा है, आप देखोगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मल ही हम प्ले करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा इसमें कुछ छेड़ छाड़ नहीं करेंगे। और इस पे भी बहुत ज़्यादा सेटिंग लगानी पड़ती है, फिर जाके अपना परफेक्ट वॉइस बन पाता है। तो आपको सुनाते हैं एक बार और। आई होप कि आपको ऑटो टोन समझ में आया होगा। अगर आपको सिंगिंग करना है तो आप इस टाइप से कर पाएंगे FL Studio मोबाइल में। आपके पास माइक बढ़िया होना चाहिए, नॉइस वगैरह ना आए, और उस पर आप चाहें। अब ट्रैक तो हम सारे इसमें बना के दे रखे हैं, फिर भी बहुत सारे पीछे पड़ी हैं, और क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं आए तो इसलिए मैं कुछ बनाना छोड़ दिया। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो और उसका कोई रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता है तो बनाना छोड़ना ही पड़ता है, तो इसलिए हम उसे नहीं बनाते हैं। एक गाना और आएगा, वो हमारा कंप्लीट है। रीमा का सॉन्ग है बेबी कम डाउन, ये इंग्लिश सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा मेरे को ट्रैक लगता है क्योंकि पूरा हम FLP उसका बना रखे हैं। अगर आप उस पर सिंगिंग करना चाहते तो उस पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि DJ के गाने हम डाल देते हैं उस पर, यार व्यूज बढ़िया आ जाते हैं। फिलहाल जो ओरिजिनल कुछ सही बताओ वो उसमें व्यूज नहीं आते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।